हे गाइस हाउ आर यू यार, बहुत गर्मी है और लाइट भी नहीं है, लेकिन मुझे एसी का मज़ा लेना है, तो कहाँ चलना चाहिए? डेफिनेटली मॉल, यस वी आर गोइंग टू विशाल मेगा मार्ट। लाइट भी नहीं है और मुझे कुछ सामान भी लेना था, तो मैंने सोचा क्यों ना विशाल मेगा मार्ट चला जाए, वहाँ 2 घंटे एसी का मज़ा भी लूँगा और थोड़े से सामान भी ख़रीद लूँगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं और ऑन वे हैं। अभी ये हमारा गाँव है, गाँव से हम लोग निकल चुके हैं। देखते हैं आगे से ट्रैक्टर आ रहा है, इसलिए मैंने गाड़ी साइड में रोक दी है। गाइस हम लोग लगभग विशाल पहुंचने वाले हैं, टाउन आ चुके हैं और ये आपको विशाल का बोर्ड दिख रहा होगा। हम लोग विशाल आ चुके हैं और अब हम लोग ये विशाल मेगा मार्ट हम लोग गाड़ी पार्किंग में डालेंगे और उसके बाद देखते हैं कि विशाल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और पार्किंग शायद विशाल की थोड़ी एक्सपैंड हो रही है, बन रही है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और अब उतरेंगे और विशाल मेगा मार्ट में जाकर देखते हैं क्या क्या होता है। और ये देख के अच्छे से अच्छे कवर ले जाएं, अच्छी क्वालिटी में कवर ले जाएं, बोलते हैं गेट का लॉक चेक कर लेते हैं, एक बार गेट का लॉक चेक कर लेते हैं, सब ओपन है, ओके यस। और अब हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। ये मुजफ्फरपुर अघोरिया बाजार चौक पर स्थित है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। ये बाय टू गेट रुपीज 300 ऑफ, ये आपका स्टफ सेक्शन है, गर्ल्स स्टफ सेक्शन। यहाँ पे कपड़े पूरे लगे हुए हैं और काफी अच्छा बड़ा इन्होंने बनाया है। देखिए यहाँ पर यहाँ से आवाज भी आ रही है, इनका प्रमोशन पैक हो रहा है और ये काफी अच्छा इन्होंने डेकोर किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे हैं, यहाँ पे ये कपड़े का सेक्शन है, गर्ल्स सेक्शन, और ये किड्स नहीं सॉरी ये भी गर्ल्स सेक्शन है। बाय टू यहाँ पर ऑफर ही चल रहा है, बाय टू गेट रुपीज़ 200 ऑफ, काफ़ी सेल में लगा हुआ है और अच्छे अच्छे कलेक्शंस मिल रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है। हम लोग विशाल के लिफ्ट में हैं और हम लोग यहाँ पे अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं और फर्स्ट पे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोर किया है, काफ़ी अच्छा बनाया है। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे, नीचे गर्ल्स सेक्शन था, गर्ल्स के कपड़े का सेक्शन। अभी यहाँ पे गेट खुलेगा तो पता नहीं क्या होता है, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। यस इट्स वेरी कूल। ये मेन सेक्शन है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्लॉथिंग्स है लगे हुए। विंटर ग्रॉसरी आइटम किधर है वो जाएंगे। मुझे एक्चुअली मम्मा ने कहा कि शान का मसाला लेके आने के लिए, तो हम लोग फिलहाल शान का मसाला लेने यहाँ पर आए हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पर इनके हम लोग क्लॉथ सेक्शन में है और बहुत ही अच्छा अच्छा फैब्रिक भी इनका काफ़ी अच्छा है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। और देखिए 89 रुपीज़ का कुछ एडवर्टीजमेंट इनका आ रहा है, तो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हम बोल सकते हैं। यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होता है, बहुत ही बड़े स्केल पर बनाया है इन्होंने विशाल मेगा मार्ट। और ये एक ट्रायल रूम है, मैं जब तक अपनी एक आईना देखकर मैं रुक गया यहाँ पर। यस तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा ये आपका शूज़ सेक्शन, हम लोग शूज़ सेक्शन में हैं, तो ये बॉयज़ शूज़ सेक्शन है। यहाँ पर भी हमें मसाला नहीं मिला, अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि थर्ड फ्लोर पे क्या है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, देखते हैं। यहाँ पे दो नन्हे नन्हे बच्चे हमारे साथ लिफ्ट में हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। ओके सो हम लोग यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, काफ़ी ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट पूरा भरा भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, कैटल
जो होममेड कैटल होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक कैटल और इलेक्ट्रिक चूल्हा ओवन जिसको बोलते हैं बजाज का है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोर कर रखा है काफ़ी। ये इनका फूड सेक्शन है और काफ़ी ही फूड सेक्शन में भी काफ़ी वैरायटी है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इनका खुद का रेड लेवल का भी और इनका अपना विशाल का अपना भी प्रोडक्शन है, बहुत सारे आइटम में खुद भी इन्वॉल्व हैं जो खुद का इनका मैनुफैक्चरिंग है और ये करते हैं मैनुफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं। इनके जहाँ जहाँ भी स्टोर्स होते हैं वहाँ पर इनको रखा जाता है। और शायद देखिए ये जैसे विशाल का प्रोडक्ट है, ये चूड़ा जिसको हम लोग पोहा भी बोलते हैं, विशाल का प्रोडक्ट है। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ हैं जो इनके पास लाइक मुझे लगता है ये भी शायद विशाल, देखिए ये भी विशाल का प्रोडक्ट है। तो इनका अपना भी मैनुफैक्चरिंग है और इनका अपना भी फूड आइटम में खासकर ये इन्वॉल्व है फूड आइटम में। ये इनकी चाय पत्ती वगैरह भी आती है, बहुत सारी चीज़ें ये खुद के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो या पैकिंग जो भी है, लेकिन इनका खुद का लेवल होता है उसके थ्रू ये सोल्ड आउट करते हैं, सेल करते हैं। ये देखिए होम निंजा इनका खुद का प्रोडक्ट है विशाल वालों का, मैंने ये दिल्ली में देखा था और यहाँ पर भी देख रहा हूँ। होम निंजा 5 किलो का डिटर्जेंट पाउडर है, इनका खुद का प्रोडक्ट है, तो काफ़ी अच्छा इनका अपना कहे तो एक्सप्लोर अगर आप इस विशाल को करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं और पर्सनल नीड्स के जो भी डेली यूज़ के सामान होते हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे। देखिए टॉयलेट ब्रश, जो भी चीज़ चाहें आप खोजेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। आप ले मी गो टू टेक माई मदर्स यू शान मसाला, देखते हैं वो मिलता है या नहीं। हाँ यार, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आया था यहाँ पर बिरयानी मसाला लेने, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं है, सारे मसाले हैं मगर मेरे पास बिरयानी मसाला नहीं है। मैंने पूरे मसाले चेक कर लिए और बिरयानी मसाला ही नहीं मिल रहा है, तो शायद मेरी किस्मत ख़राब थी कि मुझे बिरयानी मसाला नहीं मिला। देखता हूँ मैं, खोजता हूँ। हाँ बिरयानी मसाला तो नहीं मिला, लेकिन अभी मैं पिचकू खोज रहा हूँ, ये पाउच में है लेकिन इससे छोटा वाला शायद मदर को चाहिए होगा, और मैं एक बार फ़ोन करके पूछता हूँ मदर से कि ये चलेगा या इससे छोटा वाला उन्हें चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाउच आता है अब वो शीशी नहीं लेंगे, तो अभी देखता हूँ मैं क्या होता है। फाइनली फ्रेंड्स, हमने ले लिया विशाल से एक उसका बिस्किट, टेस्ट करते हैं कि किस तरीके का होता है ये। वो बिस्किट है क्या बोलते हैं तो डाइजेस्टिव, और एक कोरिएंडर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर जिसको बोलते हैं, वो हमने लिया है। अब चेक करते हैं डाइजेस्टिव बिस्किट विशाल का कैसा होता है। अब हम लोग जा रहे हैं बिलिंग काउंटर पे, और अभी बिलिंग काउंटर पे ज़्यादा भीड़ नहीं है तो मुझे लगता है कि 2 मिनट में यहाँ पर बिल हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर घर की तरफ निकलेंगे। हाँ देखिए, अभी हमें पता ही था ये इनका डाइजेस्टिव बिस्किट फर्स्ट स्टॉप का, ये जब मैं काउंटर पे आया तो इन्होंने बताया कि 105 रुपये में 10 पीस आ रहा है, जबकि प्राइस इसका 20 रुपये था। तो मैं बिल करवा रहा हूँ और इसके बाद ऊपर जाकर फिर से मैं 8 पीस और ले लूँगा। गाइस, अब हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो विशाल को एक्सप्लोर किया है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, यार बिना आपके मैं कुछ भी नहीं हूँ, सो लाइक कर दो यार प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।